अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कुछ घटनाक्रम हुआ था आपके साथ, आप थाने पर भी पहुंचे? मैंने आके यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई थी और रिपोर्ट लिखवाने के बाद में मैंने बोला कि सर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो बोले उन्होंने सर ने बोला कि ना मतलब वो कि उठा के रखा है हमने, आप जाओ बोले, वो हमने उनको अंदर कर दिया है, बल्कि उनको अंदर नहीं किया गया था और वो लोग बाहर ही घूम रहे हैं और अभी तक कोई उनको अंदर नहीं किया गया है। किस तरह की बच्चे बदतमीजी हुई आपके साथ? मतलब उन्होंने मेरे ये भैया से मतलब उनको समझाने के तौर से गए थे, तो उन्होंने है ना मेरे थोड़ा सा वो भैया ने झिझना झपटी करी और ये हाथ में चोट आ गई उनके हाथों से और ये कपड़े फट गए सर। ये देखिए, अगर ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा फट जाता तो मेरी इज्जत नहीं निकल जाती, ये अगर थोड़ा सा ये सामने से फट जाता ना, ये बटन वगैरह से फूट गया इसका। अच्छा, कपड़े फट गए आपके लड़की? वो भैया ने हाथ उठाया ना, मेरा ये है कि अगर उन्होंने मुझसे हाथ क्यों उठाया, अगर वो भाभी अगर कुछ बोल देती तो मैं सुन भी लेती है, वो हाथ उठा ली तो बर्दाश्त कर लेती, पर वो भैया ने हाथ उठा लिया। क्या नाम है उस व्यक्ति का, कहाँ रहता है? उनका नाम नहीं पता सर, उनकी वाइफ का नाम पता है, वो माँ करके है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा की जो है किस संगठन में है आप? मैं कार्यकर्ता हूँ। कौन से मोर्चे से? महिला मोर्चा से, भाजपा की जी। क्या मानते हैं आपकी पूरी मध्य प्रदेश में, देश में, नगर निगम में सब जगह भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, भाजपा महिला मंडल को आपके साथ यहाँ पे आना पड़ा? मैं खुद एक भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मैं इतनी सारी मतलब भाजपा के लिए मैंने कार्य किया और अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो जो ऐसी लेडीज है जो यहाँ तक आ ही नहीं पाती कोतवाली तक, उन लेडीजों का क्या होगा सर, जो मेरे जैसे लेडीज का नहीं हो पा रहा है? अभी क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि वो उसको मतलब कार्रवाई की जाए उसके ऊपर, क्योंकि वो कल से मतलब मैंने 9 बजे से कंप्लेन लिखाई है तो अभी तक कोई सख्त कानून नहीं किया गया। नहीं, आज जैसे बता रही थी आरोपी को छोड़ दिया सर। हाँ, छोड़ दिया था ना सर, 1 घंटे बिठाया उनको और हमको बोला कि आप जाओ, हमने बिठा के रखा। किसके कहने पे छोड़ दिया? पता नहीं, वो सर बोलते कि हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है, ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया। कहाँ रहते हैं आप? ये चाणक्यपुरी मंडी मल्टी। ये बताइए कि क्यों पहुंचे हैं आप थाने? हम यहाँ पर थाने में इसलिए पहुंचे हैं कि मल्टी की एक महिला है, वो कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता कौन सी कार्यकर्ता है? भारतीय जनता पार्टी। कौन सा मोर्चा की है? बीजेपी। ठीक है, क्या हुआ उनके साथ? उसके साथ में एक पड़ोस के पाटीदार खाती समाज के व्यक्ति है और उन्होंने उनके साथ बच्चे की समझौते के कारण दोनों बच्चों की लड़ाई हो गई थी, बच्चों को समझाने के लिए गए थे वो, पर उन्होंने समझ में नहीं आया और वो भाभी से हाथापाई कर ली और हाथ में उंगली में लग भी गई उनको और उनके कपड़े भी फाड़ दिए और मारपीट भी करी उनके साथ में। आपने शिकायत की थी पुलिस? और हमने शिकायत कल थाने पे रिपोर्ट डलवा दी थी और उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अभी हम लोग महिला मंडल भारतीय जनता पार्टी की सब यहाँ पर। डबल से क्यों आना पड़ा आपको, क्या कर रहे? डबल से इसलिए आना पड़ा कि सुनवाई नहीं हुई थी ना, कोई आई नहीं और कार्रवाई से हम संतुष्ट थे ही नहीं। क्या मांगे आपकी, क्या कर रहे? हम मांग यही चाहते हैं कि उसको पकड़े और उसको सजा भी मिले और उससे माफी भी मांगे और आगे कोई महिला के साथ ऐसा कार्य ना। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं ने इस तरह की जो है बदतमीजी हो रही महिला के साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे ना कि ऐसी महिला कभी कोई महिला के साथ कुछ गलत होता है तो हम सब महिला मंडल होके और हो सकेगा पुलिस कुछ नहीं करेगी, हम महिला मंडल मिलकर उसको घुमा देंगे। क्या आरोपी छोड़ने का भी आरोपी तो छोड़ तो सकते ही नहीं ना। नहीं, आप बताइए, थाने पे आ गया था, छोड़ा था, थाने पे आया था और धारा कम लगाई उसके साथ और उसने वो पुलिस वाले बोल रहे कि वो भी रिपोर्ट करवाने आया था और चला गया। आपका नाम? मधु शर्मा, भारतीय जनता पार्टी नगर। सर, आप आपके क्षेत्र में एक महिला के साथ कुछ घटनाक्रम हुआ था? कुछ जी, मल्टी में निवासरत हमारी एक बहन है, इसके साथ मारपीट की घटना हुई है बच्चों की लड़ाई में, लेकिन ये गलत है, महिला के साथ अभद्रता की गई है। कपड़े फाड़े? हाँ, कपड़े भी फाड़े हैं और एक महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस लेवल तक झगड़ा नहीं ले जाना चाहिए, उसके लिए थाने पे आए थे, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे तो आगे हम टीआई साहब से बात कर रहे हैं। आश्वासन मिला दिया? आश्वासन मिला है, शाम को उसको उठा के लाएंगे और कार्रवाई करेंगे और प्रॉपर सजा भी दिलवाएंगे ताकि आगे से इस तरह की घटना का वापस से बढ़ोतरी न हो, कोई और किसी महिला के साथ नहीं गए। क्या नाम है आपका? रितु सावनेर, क्षेत्रीय पार्षद।